ये होता है URL, है ना, जिसको बोला हाँ जाता हाँ है वेबसाइट एड्रेस या साइट एड्रेस या डोमेन नेम। ये सब एक ही चीज है ना, वेबसाइट एड्रेस, साइट एड्रेस, डोमेन नेम, सारा कुछ क्या है, एक ही चीज है। ओके, हाँ सर। URL। ओके, तो URL जो होती है वो होती है इधर से स्टार्ट, http://www.google.com। ये मैं आपको बता चुका कि .com तो हमारा कौन सा मेन डोमेन होता है, जिसको हम ओवर टॉप डोमेन कहते हैं ना, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। और ये www हमको किससे, वेबसाइट से कनेक्ट करता है, मतलब इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब फुल नेम होता है, मतलब क्या होता है कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, ये उसका एक्सेस देता है www। और जो गूगल है, यहाँ पे इधर पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो, जो आप नेम चॉइस करते हो वो। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो आप लोगों को समझ नहीं आया, HTTP, है ना। तो HTTP क्या होता है, ये ट्रांसफरिंग का तरीका होता है, किसका, ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, मींस जब हम फाइल ट्रांसफर होती है, फाइल कंटेंट बोलो, फाइल या कंटेंट, ट्रांसफर ऑन वाया वाया इंटरनेट, इट सिक्योर स्टोर द URL provided by the user and encryption। ओके, तो समझेंगे। हेलो, हाँ सर। ओके, संगीता हाँ सर। बेटा, इनक्रिप्शन, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, आप इनक्रिप्शन समझते हैं, इनक्रिप्शन क्या होता है। नहीं पता सर। ओके, बैच में किसी और को, 6 persons में नहीं सर। किसी को नहीं पता। नहीं सर। इनक्रिप्शन मीन्स होता है लॉक। आप घर से जब जाते हो तो आप घर पे ताला लगा के जाते हो, सेम एज इंक्रिप्शन कहलाता है। जब आप, जैसे अभी आपने कल क्वेश्चन पूछे थे मेरे पे कि गूगल शीट पे आप पासवर्ड कैसे लगाओगे, और जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो पासवर्ड कैसे लगाएं कंप्यूटर पे, है ना। तो वो जो आप पासवर्ड लगा रहे हो ना, वही इंक्रिप्शन कहलाता है। जब आप किसी भी चीज को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हो, या उसको सेफली कहीं से, उसको डेटा को ऐसा कर देते हो को कोई देख नहीं पाए, तो वो कहलाता है इनक्रिप्शन टेक्निक, मतलब लॉकिंग सिस्टम। ओके, हाँ सर। और इनक्रिप्शन होता है तो डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन भी होता है, डिक्रिप्ट, डिक्रिप्शन। ओके, इनक्रिप्शन होता है तो डिक्रिप्शन भी होता है। इनक्रिप्शन मीन्स लॉक लगाना, और डिक्रिप्शन मीन्स लॉक को ओपन करना, ठीक है। हाँ सर। तो इनक्रिप्शन समझ गए, इस वर्ड का क्या मतलब है, लॉक हाँ लगाना, और सर। डिस्क्रिप्शन का मतलब है लॉक को ओपन करना। तो अब होता क्या है कि जो हमारा URL होता है, URL मतलब एड्रेस, है ना। हाँ तो लाइक कोई आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है, मैं यहाँ पे google.com ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ मैंने जब ये google.com यहाँ पे ओपन किया, तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने क्या करी, रिक्वेस्ट करी, जब मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसेस लिखता हूँ तो थोड़ा समझोगे शायद।
मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट टू गूगल फॉर गिविंग मी दी गूगल वेबसाइट. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट करी गूगल से, क्या करा गूगल से, रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी गूगल वेबसाइट, मतलब उसकी जो वेबसाइट है वो दे, है ना. मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल से कि हमको अपनी वेबसाइट दो ताकि हम आपकी वेबसाइट को ओपन कर सकें. सेम एज लाइक हम अगर YouTube.com ओपन करते हैं तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको उसकी वेबसाइट ओपन करने दें. ओके तो होता क्या है कि तो हमने क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट गई गूगल के पास, है ना. हमने रिक्वेस्ट कैसे मांगी, हमने एक एड्रेस लिखा www.google.com. इस एड्रेस के थ्रू गूगल के पास रिक्वेस्ट गई कि हमको वेबसाइट दो, गूगल ने हमको अपनी वेबसाइट दे दी. ओके अब क्या आपके और गूगल के बीच यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है, स्पेस है. अगर इस स्पेस में, अगर इस स्पेस में कोई हैकर बैठा है, हैकर बैठा है यहाँ पे, और जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट को वो अपने पास ले ले, क्या करे, अपने पास ले ले, तो वो आपको इस URL, इस google.com जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो क्या करेगा, वो अपनी वेबसाइट आपको दे देगा. तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस था हमारा वेबसाइट का एड्रेस www.google.com, इसको सिक्योर करना पड़ेगा हमको. क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी, जब तक हमारा मैसेज, मतलब जब तक ये जो वेबसाइट का एड्रेस है वो हमारे से गूगल तक नहीं पहुंच जाता, बीच में कोई भी बंदा उसको देख नहीं पाए. ठीक है, तो URL प्रोटेक्शन के लिए, URL प्रोटेक्शन के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. ओके हम क्या करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का, HTTP का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो क्या करता है, इस URL को, जो आपकी URL है www.google.com होती है, इसको आपसे लेता है और गूगल तक पहुंचाता है, गूगल से लेता है आप तक पहुंचाता है. ठीक है, काम समझ में आया, HTTP का काम क्या है, इस URL को उठा के यहाँ पटकना और इसको यहाँ से आपके पास लाना. ठीक, मिडवे कोई भी बैठा है, मिडवे कोई भी बैठा है उससे सिक्योर रखना. ठीक, पहला काम तो ये हो गया HTTP का, समझ गए. अब दूसरा नाम जो जुड़ा डिक्शनरी में, वो जुड़ा HTTPS. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद SSL. यहाँ जो S है वो सिक्योर का मतलब है. HTTP का अगर आप फुल नेम यहाँ पे डालो, HTTPS फुल नेम, अरे यार, तो यहाँ पे S का नेम हो जाएगा सिक्योर. क्या हो जाएगा, सिक्योर. ये अब देखो HTTP तो है ना, इसमें पहले से ऐड है ना, तो इसका मतलब काम तो वही कर रहा है जो HTTP कर रहा है. अब भाई इसमें S जो लगा है उसका मतलब है सिक्योर, और ये एक एक्सटेंशन है. क्या है, एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन ऑफ HTTP. जो HTTPS है वो क्या है, एक्सटेंशन है HTTP का. ठीक है, फुल नेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. होता क्या है, इसमें जो है एक SSL नाम का
शख्स जोड़ दिया जाता है जिसका फुल नेम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब कुछ नहीं, केवल इतने डिफरेंस है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी जाती है जिसका नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये जोड़ने के बाद आपका जो यूआरएल है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? और ज्यादा सिक्योर हो जाता है, मतलब प्रोटेक्शन। कहने का मतलब, अभी आप घर से बाहर जा रहे थे तो आपने क्या किया, 50 रुपए का लॉक लिया और लगा दिया, वो आपका एचटीटीपी हो गया। संगीता गई, संगीता मार्केट से 150 रुपए का लॉक लेके आई और वो लगा दिया, तो 50 रुपए वाला लॉक हो गया एचटीटीपी और 150 रुपए वाला लॉक हो गया एचटीटीपीएस। क्यों भाई? 150 रुपए का है तो इसका मतलब उसमें और ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा टाइट है। समझ रहे हैं? यही डिफरेंस है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में। दोनों का वर्क क्या है? सेम है, बस एचटीटीपी में सिक्योरिटी थोड़ी कम है और एचटीटीपीएस में सिक्योरिटी कुछ ज्यादा है। अब कोई, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई एचटीटीपी में किस तरीके से सिक्योरिटी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, वो कहलाता है SSL, जिसका फुल नेम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, आपने कॉपी में भी नोट कर लिया होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे। खुल लिया? ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व, आई थॉट समझ में आ गया होगा। हाँ सर, पर सर अच्छा, वो जो वो हाँ बोलो बोलो। HTTPS और ये मतलब हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो कौन लगाते हैं, मतलब हमें लगाना पड़ता है वो? हाँ, आप देखो, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, बट एक्चुअली हम लोग इस समय मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं जिसमें गूगल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या करता है? गूगल हेल्प करता है, ठीक। तो आप यहाँ से ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे YouTube लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, YouTube.com लिखा ना केवल। अब YouTube.com करके मैं एंटर मारूंगा तो YouTube तो खुल गया। देखो, ये YouTube खुल गया। वेबसाइट का एड्रेस क्या लिख रखा है? YouTube.com इसमें क्या HTTPS www दिख रहा है आपको? नहीं। लेकिन लिखा हुआ है, देखो, ए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो, ये देखो लिखा हुआ। तो ये जो क्रोम हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो हम ये वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं आजकल के, वो वेब ब्राउजर ऑलरेडी इतना, कितना, इतना ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं पहले से ही, इसीलिए हमें लिखना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर आप HTTPS और WW नहीं लगाओगे तो ओपन हो जाएगी, नहीं ओपन होगी, आपको लगाना क्या है, कंपलसरी है ना? क्यों लगाना कंपलसरी? अभी अभी बताया, WWW से आप पहले क्या किससे कनेक्ट होगे? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे, और HTTP क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो दोनों की दोनों चीजें कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग अब थोड़े से आलसी हो गए हैं, वीक, तो उसने क्या किया, वेब ब्राउजर ने ये हमको फीचर दे दिया कि आप मत लगाओ, हम लगा के देंगे आपको पहले से। इतना पार्ट वो पहले से ही क्या करता है, ऐड कर लेता है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व, कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं, व्हाट इज वेब ब्राउजर वाशंती? हाँ, मतलब क्या नहीं समझ आया बेटा वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर एग्जैक्टली क्या है? ओके, सो मेरे हिसाब से क्या नाम है, संगीता आप बताइए, वेब ब्राउजर क्या है? बोलो बेटा। हेलो, एक ब्राउजर है उसमें ऐसे से ब्राउजर वेब ब्राउजर क्या है? समझ नहीं आया आपने क्या बोला बेटा। उसमें ऐप रहते ओके, रूपाली, सर। अब क्या है वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, गुड गुड। अश्विनी आप बताइए, वेब ब्राउजर क्या है?
हाँ सर, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। गुड। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ सर। वासंती, आप क्लियर? वेब ब्राउजर क्या है? हेलो हेलो, हाँ वासंती, क्लियर हो गया? नहीं सर, मतलब क्या होता है मतलब क्या उसका होता उसका मीनिंग है सर, वो ऐप रहता है क्या? मतलब जब हम वेब ब्राउजर नहीं होता तो कौन सा भी ऐप नहीं चलेगा क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे एप्लीकेशन, जैसे ये कंप्यूटर है ना मेरा, ठीक हाँ है, सर। तो इसमें क्या है, कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं। ठीक, लाइक मैंने अभी अभी एमएस पेंट खोला, पेंट खोला ये, तो ये क्या हाँ मैंने वेब ब्राउजर में ओपन किया है? नहीं ऐसा ही ओपन कर लिया ना, तो ये एक हाँ सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया पेंट। ओके, सेम एज मैंने यहाँ पे एक नोट पैड ओपन किया, ये भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, हाँ इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जब क्रोम ओपन किया, तो क्रोम भी एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन अब वर्क अलग अलग होता है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क हैगा यहाँ पे टेक्स्ट लिखना, इसका वर्क है यहाँ पेंटिंग करना। इसी तरीके से वेब ब्राउजर का वर्क है इंटरनेट से कनेक्ट हो, समझ गए? हाँ सर। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है जो आपने बोला ना, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो सकती बिना वेब ब्राउजर। क्यों नहीं हो सकती? देखो, ये पेंट ओपन किया, इसका वेब ब्राउजर यूज किया क्या? नहीं। अभी देखो, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, मैं इसको ओपन करूंगा, ये मतलब म्यूजिक वगैरह प्ले करने के लिए होता है ना, तो इसको मैं हाँ ओपन करूंगा, ये देखो ओपन हो गया। क्या आपको वेब ब्राउजर का नीड हुआ? नहीं। वेब ब्राउजर का नहीं। नीड हमें तब होता है जब हमें इंटरनेट से या वेब से हमको कुछ इंफॉर्मेशन, या वेब से हमें अगर कुछ चाहिए तब हमें नीड होती है वेब ब्राउजर की। मतलब क्या मतलब हाँ हुआ, जब हमें वॉन्ट टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम नेट, देन वी यूज वेब ब्राउजर। हाँ सर। अभी क्लियर है थोड़ा हाँ थोड़ा? सर। हाँ सर।